अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल साकिब इन्फू से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है सुधनुत्ति। सुधनुत्ति जो कि साबका रियासत और मौजूदा आज़ाद कश्मीर के 10 अज़ला में से एक है, ये इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर दूर वाके है। ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के साथ बरास्ता आज़ाद पतन मिला हुआ है। अगर बात की जाए सुधनुत्ति के हवाले से, तो सुधनुत्ति कश्मीर की मगरबी सरहद पर ज़िला रावलपिंडी से मुत्तसिल दरियाए जेहलम के मशरकी किनारे के साथ साथ दरियाए पुंछ तक का फैला हुआ इलाका है, और ये इलाका आज़ाद कश्मीर के ऐन वस्त में है। इसके शुमाल में पुंछ, बाग और मुजफ्फराबाद के अज़ला, जबकि जनूब में कोटली, मीरपुर और भिंबर के अज़ला हैं। इस तरह ये आज़ाद कश्मीर का सेंट्रल एरिया बन जाता है। आज़ाद हुकूमत के क़याम पर इसका सदर मकाम यानी आज़ाद कश्मीर का सदर मकाम पलंदरी में बनाया गया था। जंग बंदी के बाद इसे मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया। मुतहदा जिला पुंछ का हेडक्वार्टर भी 1964 तक यहीं रहा। 1987 में जिला पुंछ को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, यानी बाग को अलग जिला बना दिया गया, जिसके बाद अहले सुधनुत्ती ने मुतालबा किया कि जिला पुंछ का सदर मुकाम साबका जगह यानी पलंदरी मुंतकिल किया जाए, क्योंकि जिले सदर मुकाम रावला कोट मुंतकिल होने के बावजूद कुछ दफातर जिनमें डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट जेल पुंछ, डिस्ट्रिक्ट आर्मर्ड सर्विसेज बोर्ड शामिल थे, पलंदरी ही से वर्क कर रहे थे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जिले हेडक्वार्टर की बहाली का मुतालबा तो तस्लीम नहीं किया, अलबत्ता तवील अरसे बाद जिला सुधनुत्ती बना दिया गया। इसका शुमारियाती जायजा कुछ इस तरह है। जिला सुधनुत्ती का कुल रकबा 575 मुरबा किलोमीटर है। 1999 की मर्दमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 2,19,000 अफराद पर मुश्तमिल है। अगर बात की जाए इसकी सब तहसीलों की, तो इसकी तीन तहसीलें बलोच, त्राड़खल और मंग हैं। इसकी यूनियन काउंसिल्स की अगर बात की जाए तो छंद जिसे खानाबाद, धारधरिज, मंग, पतन, शेरखान, गड़ाला, नेरियां, बसाड़ी, कहाला, झंडा बगला, पंथल, बारल वगैरह हैं। अगर बात की जाए यहाँ पैदा होने वाली अहम अजनास की, तो गंदम, मकई, लहसुन, प्याज, आलू, खुबानी, सेब, नाशपाती और आलू बुखारा हैं। सतह समंदर से इसकी बुलंदी 3,000 से 7,000 फुट तक बुलंद है। इसका बुलंद तरीन मकाम नागेशियर बुलंदी तकरीबन 7,000 फुट है। आजाद पतन पलंदरी हजीरा रोड ये जिला पुंछ की सबसे कदीम सड़क है। ये सबसे पहले 1920 में निकाली गई। रावलपिंडी और गोजरखान से पुंछ के दरमियान में पैदल और ऊंटों पर सफर इसी रास्ते पर किया जाता था और सामान पुंछ तक पहुंचाया जाता था। जंगे आजादी के दौरान इस सड़क को बहुत अहमियत हासिल रही। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान इसी सड़क के जरिए तराड़खल तक गए थे। आजाद पतन से पलंदरी का फासला 24 किलोमीटर, पलंदरी से तराड़खल 30 किलोमीटर, तराड़खल से हजीरा 19 किलोमीटर हैं। अगर बात की जाए आजाद पतन मंग रोड की, तो ये सड़क 1928 में तामीर हुई। एक अरसे तक रावला कोट से रावलपिंडी के सफर का वाहिद जरिया रही। ये सड़क आजाद पतन से मंग, नक्का बाजार, थुराड़, कस बाजार और टोपा से होती हुई रावला कोट जाती है। आजाद पतन से मंग 24 किलोमीटर, जबकि मंग से नक्का बाजार 5 किलोमीटर हैं। अगर बात की जाए पलंदरी से कोटली रोड की, तो ये भी जिला पुंछ की कदीम तरीन सड़कों में से एक है। यहाँ आजादी के दौरान ये सड़क सुधनुत्ती और कोटली के दरमियान में राबते का बड़ा जरिया थी। इसी सड़क पर डोगरा फौज का पीछा किया गया और इसी सड़क पर अपना दिफा कायम किया गया। पलंदरी से कोटली का फासला 45 किलोमीटर है। इस सड़क पर टालियान, पंजेड़ा
और सरसावा जैसे अहम मकामात आबाद हैं। तराड़खल से एक सड़क बरास्ता बलोच, सरसावा, सेंसा, रावलपिंडी तक जाती है। इस सड़क पर टंगी गला, कला, बैठक, बलोच जैसे अहम मकामात हैं। पलंदरी से एक सड़क बरास्ता छज्जन आजाद पतन जाती है। इसकी एक शाख बरास्ता हुलाड़ रावलपिंडी जाती है। पलंदरी से छज्जन का फासला 13 किलोमीटर, छज्जन से आजाद पतन 15 किलोमीटर, छज्जन से हुलाड़ 12 किलोमीटर है। आजाद पतन से बरास्ता पतन शेरखान, कल्यारी, ढलकोट, मुजफ्फराबाद एक नई सड़क तामीर की गई है। इसके जरिए पलंदरी से मुजफ्फराबाद बासानी सामान पहुंचाया जा सकता है। इस रास्ते से पलंदरी से मुजफ्फराबाद सिर्फ 130 किलोमीटर है। पलंदरी से बरास्ता बेतरा टंगी गला सड़क तामीर की गई है। पलंदरी से टंगी गला का फासला 22 किलोमीटर है। अगर बात की जाए इसके अहम मकामात की तो दीवान गोरा हजीरा रावलपिंडी रोड पर पलंदरी से 8 किलोमीटर के फासले पर वाके एक खूबसूरत मकाम है। यहाँ एक बुजुर्ग हजरत साहेब दीन का मजार है। यहाँ बॉयज और गर्ल्स हाई स्कूल कायम है। छज्जन जिसे खानाबाद भी कहते हैं। इसके अलावा इस्लामपुरा, बारल, पंथल, टाहलियान, नालियां, बेतरा, टंगी गला, कलां, बैठक, बसाड़ी, रहीमाबाद, पत्तन शेरखान वगैरह इसके इंतहाई खूबसूरत इलाके हैं। सुदनती डिस्ट्रिक्ट 4 तहसील यानी पलंदरी, बलोच, मांग और तराड़खल में तकसीम किया गया है। पलंदरी जिला हेडक्वार्टर है। रावलपिंडी से 97 किलोमीटर फासले पर आजाद पतन के जरिए ये रावलपिंडी से मिला हुआ है। सुनुत्ती 1995 में पुंछ जिले से अलग जिला बनाया गया। ये जिला शुमाल के पुंछ डिस्ट्रिक्ट, जनूब में कोटली, मगरिब में पंजाब से गुजर रहा है। सुदनती डिस्ट्रिक्ट 4 तहसीलों में तकसीम किया गया, पलंदरी, मांग, तराड़खल और बलोच। अगर बात की जाए यहाँ पर आबादी की तो सुदनती पाकिस्तान के जेर इंतजाम आजाद जम्मू और कश्मीर के 10 इजला में से एक है। सुदनती साबका जिला पुंछ की तहसील पलंदरी पर मुश्तमिल इलाका है, जिसे अफगान नस्ल सुद्दन पठान कबाइल के नाम पर सुदनती का नाम देकर अलग जिले हैसियत दी गई। एक तारीखी और बागी खिता होने के नाम से ये जाना पहचाने जाने वाला इलाका है। जम्मू और कश्मीर के आमिरों, बादशाहों के खिलाफ अवामी बगावतें इसी खित्ते से उठी थीं। यहाँ नस्लों से आबाद सुद्दन कबाइल अफगानिस्तान से पाकिस्तान के सरहदी सूबे मर्दान, सवाबी, बन्नू, वहां से रावलपिंडी से होते हुए पलंदरी आकार आबाद हुए। यहां से कोटली, बाग और रावलाकोट में फैलते गए। आज भी इनकी शक्ल सूरत, जिसामत, आदात, रहन सहन, हट धर्मी और बागीपन उन्हीं यूसुफजई या काकाजई कबाइल से मिलता जुलता है। सुदनती की आबादी 1998 के तखमीने के मुताबिक 2,25,000 थी, जो आज लगभग 3,25,000 से बढ़ चुकी है। यहाँ पर 97% आबादी दही है, 3% शहरी है, 51% मर्द, 49% अहम कबाइल खवातीन हैं। सुद्दन, एवान, कुरेशी, क्यानी, सैयद, अब्बासी, राजपूत, डार और दूसरे कबाइल भी यहाँ आबाद हैं। दीगर इलाकों में लोगों की एक बड़ी तादाद है जो सुदनती में रोजगार के लिए रहते हैं। सालाना तरक्की की शराह 3% है। जिला सुदनती के लोगों में मुख्तलिफ किस्म की मुआशियत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, गवर्नमेंट सर्विस, सिविल और फौजी दोनों कारोबार और बैरून मुल्क लोग शामिल हैं। मकई और गंदम के लिए इस्तेहकाम की सतह का ज़राअत सुदनती के इर्द गिर्द इसके इर्द गिर्द मुनक्किद है। टमाटर, पालक समेत कई सब्जियों के पौधों में इजाफा हुआ है। सुदनती के लिए सबसे बड़ी सनत मकबूल दरख्तों की कटाई है, जो खेलों के सामान की तैयारी के लिए खेती किए जाते हैं। सुदनती में काम करने वाली 2 फ्लोर मिल्स मौजूद हैं। मुलाजमत के लिए सरकारी मुलाजमत का एक अहम शोबा है। तहम आबादी का एक बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क मुकीम कारकुनों की तरफ से तरसील जर पर मुनहसर है, जो आजाद कश्मीर में अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजता है। मौके की कमी की वजह से सुदनती के ज्यादातर शहरी लोग दीगर ममालिक में रोजगार हासिल करने के तरीके तलाश कर रहे हैं। कोई शक नहीं कि सुदनती सकाफत से भरा हुआ है। अगर हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो दे तो इससे बहुत ज्यादा तरक्की हासिल हो सकती है।
अगर बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से तो सुदनुत्ती रावलपिंडी की तहसील कोहोटा से मशरक में दरिया झेलम के किनारे वाकई 3000 से 7000 फुट बुलंद पहाड़ों पर मुश्तमिल खूबसूरत इलाका है। यहाँ बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान में छोटी छोटी वादियां इस हुसन को दोबाला करती हैं। सियाहती एतबार से कई खूबसूरत मकामात हैं। ये इलाका मरी के बिलमुकाबल जनूब मशरिक में वाके है। इस इलाके के चंद अहम मकामात जो सियाहों के लिए पुरकशिश हैं, जहां कुछ सहूलतें मौजूद हैं, उनमें से पलंदरी, किला बारल, त्राड़खल, देवी गली, मंग, जसापीर, नागेशियर, जोंजाल, बलोच, पोठी मीर खान, मुर्शिदाबाद, चार ब्याड़ और दीगर इलाके मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। साकिब इन्फो से इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।